हेलो शार्क्स, ये है मेरे तीन दोस्त रेखा, जया और सुषमा। निर्मा का यार आ गया। तीनों के हेयर टाइप्स अलग है, तीनों के प्रॉब्लम्स अलग है। किसी को हेयर फॉल और डैंड्रफ का इश्यू है, तो किसी को ऑयली स्कैल्प और फ्रीजीनेस का। बट जब ये लोग मार्केट में कोई शैम्पू खरीदने जाते हैं, तो इन्हें मिलते हैं वो ही डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू, हेयर फॉल के लिए अलग शैम्पू, ऑयली स्कैल्प के लिए अलग शैम्पू। एक इंसान कितने प्रोडक्ट्स खरीदेगा? अगर हम जूते अपनी पैरों के साइज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो हम अपने बालों की जरूरत के हिसाब से शैम्पू भी नहीं कस्टमाइज कर सकते। क्यों हम सब वो ही घिसे पिटे जेनेरिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जिसका हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कंपनी शुरू की है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आयुष वर्मा और मेरी कंपनी का नाम है ट्रैवल। ट्रैवल एक ऐसी ब्रांड है जो आपके हेयर टाइप, रिक्वायरमेंट्स और गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाकर एक क्विज लेना है, वहाँ क्वेश्चंस आपकी सारी चीजें कवर करेंगे, राइट फ्रॉम ए हेयर टाइप, ट्रीटमेंट्स, आप कलर एंड फ्रेग्रेंस चूज कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, आप बॉटल्स पे खुद का नाम भी लिख सकते हो। अरे वाह। उन आंसर्स के बेसिस पे हमारी टीम आपके लिए यूनिक और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाएगी, सही और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करके। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, मेड इन इंडिया और क्लीन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पर 2,00,000 लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए हैं। और शार्क्स, मेरा विजन है कि मैं पूरी दुनिया के सारे लोगों को वो ही प्रोडक्ट्स पहुंचा पाऊँ जो उनके लिए बने हैं। इसलिए आज मैं आपसे 2.5% इक्विटी के एक्सचेंज में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने आया हूँ। तो क्या आप तैयार हैं इंडिया को बाल बाल बचाने? So, आयुष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। बताइए कि इस वेंचर के बारे में आपने कैसे सोचा, और खुद के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैं अमरावती नाम की सिटी से हूँ, जो एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में। मैं मुंबई आया था फॉर माई ग्रेजुएशन। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। कॉलेज के बाद एक चीज क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना है, पर यह भी नहीं पता था कि क्या करना है। इंजीनियरिंग होने के बाद मैं 6 महीने के लिए बैकपैकिंग पे चले गया ऑल ओवर इंडिया। लाइक आई हैव बीन टू सिक्किम, मेघालय साइड, हिमाचल, हर जगह पर। मैंने इंडिया का एक्चुअल कल्चरल डाइवर्सिटी समझा। हर जगह का डाइट अलग है, एनवायरमेंट अलग है, लोग ही अलग है, बट प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ एक जैसे ही है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था। मैंने कंपनी के ऊपर नवंबर 2018 से काम करना शुरू किया था। करीब हमने 1.5 साल तक R&D किया, एंड जनवरी 2021 में मैंने इसे लॉन्च किया। नहीं, बट एक चीज बताओ आयुष, नवंबर 2018 की कंपनी है और आपने लॉन्च किया जनवरी 2021, तो कभी कभी क्या होता है ना, टाइम टू मार्केट भी इम्पोर्टेंट होता है। आप थोड़ा स्लो नहीं थे? मैं ये बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मुझे टीम असेंबल करना पड़ा। कंसल्टेंट्स को हायर किया, उनके साथ काफ़ी ट्रायल एंड एरर हुआ, कुछ बैचेस फेल हो गए, फिर शुरू से शुरुआत की एंड बीच में लॉकडाउन हो गया। हमने लॉन्च किया था 16 मार्च 2020 में। अच्छा जी। बट 5 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। तो कितना रेवेन्यू है अब आपका? हमारा फिलहाल ARR 5 करोड़ का है। हमने लास्ट मंथ 40 लाख का सेल किया था। जनवरी 21 से मार्च 22 तक के हमारा सेल था 1.55 crore। ओके। बट पिछले 4 महीने में अप्रैल से जुलाई तक के हमारा सेल था 1.4 crore। अच्छा, ये बात बताइए, आपका बिजनेस क्या इस कारण से बड़ा है पिछले 4 महीनों में कि आपने कोई फंड रेज किया इसके? हमने कोई फंड रेज नहीं किया, हम अभी तक कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं। तो ये जो अभी आपका 40 लाख का सेल्स चल रहा है पर महीने का, ये GMV है कि नेट सेल्स है? हाँ, ये GMV है। नेट सेल्स कितना है भाई? नेट होगा 35 लाख। और इसमें आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 9,78,000 का था, 10 लाख। Not bad. कैसे कर रहे हो यार ये तो, मतलब वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। Well, पूरा मार्केटिंग मैं हैंडल कर रहा हूं, so I run all the ads. आपका बैकग्राउंड है मार्केटिंग में? Not exactly, but मैंने सीखा था। ऐसा क्या आपने दिखाया उस एड में कि लोगों के साथ कनेक्ट किया? जो भी पैटर्न ब्रेकिंग हुक है वो काम किया। He's doing breakthrough marketing. पर ये तो इतनी कंपेटिटिव मार्केट है, मतलब सारे ब्रांड्स अगर कोर लेवल पे खाली मार्केटिंग पे टिके हुए हैं, तो हाउ सस्टेनेबल, कितना सस्टेनेबल है बार बार? वही मेरा पॉइंट है ना, आप मार्केटिंग पे सस्टेन नहीं कर सकते, आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। इसमें रिपीट है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ का काफी हेल्प है। क्या परसेंट रिपीट है? अराउंड हमारा 20% मंथ ऑन मंथ रिपीट है, बट
हमारे सेल्स ड्रास्टिकली ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे अप्रैल में सेल्स थे 15 लाख, मई में थे 25 लाख, जून में थे 32 लाख एंड जुलाई में था 40 लाख। दीस आर जीएमवी। 40 नहीं, 35। नो, 40। नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू तो और कम होगा, नेट सेल्स गुड है। या आई एम टॉकिंग अबाउट जीएमवी। हाँ ठीक है, मतलब 10% माइनस कर लो सब में से। तो नेट रेवेन्यू क्या होता है? अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू में से डिस्काउंट, कमीशन, जीएसटी और सेल्स रिटर्न हटा दो, तो उसको बोलते हैं नेट रेवेन्यू। ये 35 लाख में कितना बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर का स्प्लिट क्या है? दैट्स द बेस्ट पार्ट। 100% सेल्स सिर्फ हेयर केयर का है एंड सिर्फ वेबसाइट से। हमने स्किन केयर और बॉडी केयर तो अभी लॉन्च किया और मार्केट प्लेसेस पे हम लोग जाने वाले इन द नेक्स्ट 1 or 2 months। पर वहां कस्टमाइज कैसे करेंगे? हमारे पास 2 लाख लोगों का डेटा है, सो आई नो कि कौन सी प्रोफाइल्स मेनली लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो कुछ 60-70% प्रोफाइल्स के वी कैन मेक मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड वो वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। तो मेरे को ना एक एग्जांपल दो, कोई वेबसाइट दिखाओ। sure. हाँ, आप डेमो दिखाने वाले हो? हाँ, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स भी दिखा दीजिएगा। नमिता, आप क्विज लेना चाहोगे? ठीक है, तो ये ऑर्डर योर फॉर्मूला पे क्लिक करूं? क्लिक ऑन ऑर्डर योर फॉर्मूला। फीमेल बेबी मीडियम। यू नो, इतने क्वेश्चंस आंसर करते करते फटीग नहीं आ जाता है कस्टमर को? जिसका इंटेंट रहता वो करता है। ये भी एवरीडे है, इसका आंसर एवरीडे है। कितने परसेंट लोग आंसर करते हैं सारे क्वेश्चन? ये हमारे 55% सबमिशंस आते हैं, तो काफी लोग तो शुरू करते हैं, बट 55% यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं। आप ये ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। इस पे तो नाम भी लिखा हुआ। वाओ, अच्छा है भाई। थोड़ा सा आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है कलर वगैरह? थोड़ा सा मुझे तो आर्टिफिशियल फील आ रही है इसमें, गिमिकी फील आ रही है, वो ऑथेंटिक नहीं आ रही है। जो ब्लू वाला है ना, उसमें एक है पर्टिकुलर जो लोगों को पसंद है, उस तरह का प्रेफरेंस है। भाई एक मिनट लेके आपकी थोड़ी इंडस्ट्री समझते हैं। पर्सनलाइज्ड बीपीसी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसकी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करते हैं। एक तरफ है कि आप एक एक्सपर्ट के साथ 1-on-1 कंसल्टिंग करते हैं और वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अब ये प्रोडक्ट्स यूज करो। दूसरी तरफ है AI, आप सिर्फ फोटो खींचिए स्किन की, बाल की, और वो अपने आप फिगर आउट कर लेता है और प्रोडक्ट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एंड देन यू आर इन द मिडल कि आप एक फॉर्म भरवाते हैं विच इज वेरी पेनफुल अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सॉ, और बेसिस दोज आंसर्स आप अपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करके भेजते हैं। आपको क्या लगता है, ये काफी स्प्लिट हो जाएगा और फ्रेगमेंटेड हो जाएगा मार्केट इन दिस वेरियस स्पेसेस? हाइब्रिड मॉडल वुड बी द परफेक्ट वन, एंड उसके लिए मुझे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है टेक स्टैक वगैरह के लिए, एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू लेटर ऑन। हमने सिर्फ 1 साल पहले कंपनी शुरू किया, वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई नहीं एंड वो सब डायरेक्शन हम अभी गए नहीं।